Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 28 June. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Take very good care of yourselves children. Keep yourself protected. Stay home and stay safe. Children, we are doing chapter number 5. We have completed the chapter and today we will be doing worksheet number 6, which is based on this chapter only. आज हम वर्कशीट 6 करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड पैटर्न पे ही बेस्ड है. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वर्कशीट आई वुड जस्ट रिवाइज द लेसन इन शॉर्ट. एक बार ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक बार लेसन को जस्ट इन शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके कि हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा. इस लेसन में हमने प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ा. प्लेन शेप्स विच आर ऑल्सो नोन एज टू डायमेंशनल शेप्स, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड ओवल. सम शेप्स आर मेड यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स, सम शेप्स आर मेड यूजिंग ओनली कर्व लाइन्स एंड सम शेप्स आर मेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन एज वेल एज कर्व लाइन्स. ओके अपार्ट फ्रॉम दीज 5 बेसिक शेप्स there are other plane shapes also. Any shape which has only 2 dimension, like circle है, oval है, इसमें तो length और breadth कुछ भी नहीं है. This is a plane shape. मतलब सिर्फ 2 dimension है या एक भी length breadth कुछ भी नहीं है. So जो cloud का shape है, star का shape है, moon का shape है, pentagon, hexagon, octagon. Pentagon means जिस shape की 5 sides होती है. हेक्सागोन मतलब जिस शेप की 6 साइड्स होती हैं. ऑक्टागोन मीन्स जिस शेप की 8 साइड्स होती हैं. ऑल दीज आर प्लेन शेप्स बिकॉज दे डू नॉट हैव हाइट. ठीक है तो प्लेन शेप्स को जब हम किसी भी प्लेन सरफेस पे रखते हैं तो दे टच द सरफेस कम्प्लीटली. जो 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं उनमें एक 3rd डायमेंशन भी होता है, दैट इज हाइट. ठीक है तो 3 डायमेंशनल शेप्स में हाइट इज ऑल्सो देयर. So that is why they are known as 3-dimensional shapes. उन्हें हम solid shape भी कहते हैं. ठीक है those shapes are also known as solid shapes because they have height. उनका एक volume होता है. ठीक है अंदर से अगर खाली भी रहेंगे but still अगर कुछ नहीं भी है तो उसमें air होती है. ठीक है तो मतलब वो उसको हम कहीं पे रखते हैं तो they occupy some space. So they are also known as solid shapes. तो सॉलिड शेप्स में हमने क्या क्या पढ़ा. क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर. ओके क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर. वी डिस्कस्ड अबाउट दीज 5 सॉलिड शेप्स. जैसे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में कोई डिफरेंस नहीं. द ओनली डिफरेंस इज बोथ हैव 4 साइड्स, बोथ हैव मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन अ स्क्वायर All 4 sides are made are same, equal in length, and in a rectangle opposite sides are equal in length. तो cube and cuboid में भी ये difference है. Both have 6 sides, ठीक है 6 faces जिसको बोलते हैं. solid shape में हम क्या बोलते हैं, face बोलते हैं. कोई भी जो side होती है उसको हम face बोलते हैं. So cube and cuboid, both have 6 faces, ठीक है both have 8 points and both have 12 edges. The only difference is that in a cuboid, all the sides, all the faces are rectangular in shape, and in a cube, all the faces are square in shape. मैंने आप लोग को क्यूब का एग्जाम्पल भी दिखाया, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल भी दिखाया. आई हैव शोन यू ऑल द एग्जाम्पल्स. ठीक है सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड. देख करके बहुत इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच शेप इज अ क्यूब एंड विच इज अ क्यूबॉइड. ओके देन कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, ओवल क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा. इसके बाद हमने इस लेसन में और क्या पढ़ा. वी टॉक्ड अबाउट पैटर्न्स यूजिंग शेप्स एंड नंबर्स. एज आई टोल्ड यू दैट देयर इज पैटर्न ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ पैटर्न है. ठीक है
हर चीज में पैटर्न है, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करते हैं. ओके, सो वी कैन मेक पैटर्न यूजिंग शेप्स, वी कैन मेक पैटर्न यूजिंग कलर्स, वी कैन मेक पैटर्न्स यूजिंग एनीथिंग एट होम. घर पे जो बर्तन यूज करते हैं, ठीक है, उस पे पैटर्न, उससे हम पैटर्न बना सकते हैं. जो राशन होता है, अलग अलग तरह की दालें होती हैं, उससे हम पैटर्न बना सकते हैं. ओके, पैटर्न का कोई फिक्स रूल नहीं है, यू कैन मेक योर ओन पैटर्न. अपने आप, अपने ऐसे आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो, कोई भी पैटर्न बना सकते हो. सो इन दिस लेसन वी हैव टॉक्ड अबाउट पैटर्न्स यूजिंग शेप्स एंड पैटर्न्स यूजिंग नंबर्स. नाउ शेप से हम कैसे पैटर्न बना सकते हैं, वी कैन मेक पैटर्न्स यूजिंग सिंगल शेप ऑल्सो, वी कैन मेक पैटर्न्स यूजिंग डिफरेंट शेप्स ऑल्सो. ठीक है, व्हेन वी मेक अ पैटर्न देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्ड एंड फास्ट रूल. कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये जो पैटर्न है वो ऐसा ही बनना चाहिए. नो, यू जस्ट हैव टू सी कि उस जो पर्टिकुलर पैटर्न है, अगर आपको आगे और शेप्स बना करके पैटर्न को कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू सी कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, व्हाट पैटर्न इज बीइंग फॉलोड. ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम आगे उसको कंप्लीट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब जहां तक हमें कंटिन्यू करना है. ओके, तो शेप से हम पैटर्न बना सकते हैं. सिमिलरली वी कैन मेक पैटर्न्स यूजिंग नंबर्स, वी कैन मेक पैटर्न्स यूजिंग अल्फाबेट्स. ओके, आप नंबर्स से भी हम पैटर्न बना सकते हैं. जो टेबल्स बोलते हो, टेबल्स आर ऑल पैटर्न्स. जैसे 3 का अगर टेबल है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आंसर आता है, नेक्स्ट आंसर हमें कैसे मिलता है, बाय एडिंग 3 टू द प्रीवियस नंबर. सो दिस इज अ पैटर्न कि हम हर एक आंसर में 3 ऐड करते गए एंड हमें नेक्स्ट आंसर मिलता गया. ओके, सो टेबल जो हम बोलते हैं, दैट इज अ पैटर्न. सो इन दिस लेसन वी हैव डन सम पैटर्न्स यूजिंग शेप्स एंड नंबर्स. ओके, देन वी हैव डन सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड्स. सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड्स दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा सॉलिड शेप है. ठीक है, एंड देन सॉर्टिंग देम आउट. सॉर्टिंग देम मतलब उनको अलग अलग ग्रुप में करना. ठीक है, सॉर्ट करना मतलब अलग अलग ग्रुप में करना, कि सारे ऑल द जो क्यूबॉइड्स हैं उसको एक साथ करना, क्यूब्स को एक साथ करना, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ करना. ठीक है, तो व्हेन यू आर सॉर्टिंग द शेप्स आउट, जब सॉर्टिंग आउट कर रहे हैं शेप्स को, तो यू आर आइडेंटिफाइंग देम ऑल्सो. आप पहले उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हो. जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, आप उसको सॉर्ट आउट कैसे, किस ग्रुप में डालोगे. सो हियर वी आर फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट एंड देन वी आर सॉर्टिंग देम आउट इन डिफरेंट ग्रुप्स. सो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो एंड देन वी डिड स्लाइडिंग एंड रोलिंग. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग? एनीथिंग विच हैज ओनली फ्लैट सर्फेस. ठीक है, कोई भी चीज जिसका सिर्फ फ्लैट सर्फेस है, दैट विल स्लाइड. ठीक है, जैसे आप भी जो झूला होता है स्लाइड वाला, उस पर से यू स्लाइड. ठीक है, आप रोल नहीं करके आते हो. रोल हम कब करते हैं, अगर कोई गिर गया ऊपर से, somebody falls down, कोई tumble करके गिर गया, then we roll. Otherwise we slide. Okay? And things which have a curved surface, they will roll down. ठीक है, स्लाइड पर भी अगर आप कोई बॉक्स डालोगे तो इट विल स्लाइड बिकॉज इट हैज फ्लैट सर्फेस, प्लेन सर्फेस. एंड इफ यू थ्रो अ बॉल, इट विल रोल डाउन बिकॉज इट हैज कर्व्ड सर्फेस. ओके, सो वी हैव डन स्लाइडिंग एंड रोलिंग एंड इन दिस ऑल्सो वी डिड आइडेंटिफिकेशन एंड सॉर्टिंग आउट कि कौन कौन सी इसमें ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स वर गिवन एंड उस पर हमने सॉर्ट आउट किया कि कौन सी ऑब्जेक्ट्स इसमें से रोल करेंगी और कौन सी ऑब्जेक्ट्स स्लाइड करेंगी. ठीक है, सो दिस वॉज अ स्मॉल लेसन. नाउ टूडे वी विल स्टार्ट एक्टिविटी वर्कशीट नंबर 6. सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 इन योर मैथ्स बुक. ठीक है, दिस इज एक्टिविटी वर्कशीट 6. ओके, फाइन. Now first is match similar shapes by drawing arrows. So whenever you do matching, जब हम matching वाला, जैसे objects को match करने वाला जब हम question करते हैं, तो उसके साथ हम और क्या करते हैं,
we do identification part also. इसके साथ आप ऑब्जेक्ट्स को पहचानने वाला काम भी करते हो, क्योंकि जब आप पहचानोगे, when you identify the objects, then only you can match. जब आप identify करोगे कि yes, this object has a curved surface, इसका plane surface भी है और इधर में भी ये ऐसी object है, so that means both the objects are similar. तो you are identifying the object. ठीक है, आप उस solid shape को identify भी कर रहे हो at the same time. Okay? So first is activity worksheet 6. First is match the similar shapes by drawing arrows. नॉर्मली चिल्ड्रेन, मैं जब भी मैचिंग कराती हूँ तो मैं अवॉइड ड्रॉइंग लाइन्स, क्योंकि ड्रॉइंग लाइन्स ड्रॉ करने से एक तो थोड़ा सा अनटाइडी दिखता है एंड इट डज नॉट लुक वेरी नीट. बट हियर सिंस वी हैव टू ड्रॉ लाइन, तो जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे यूज अ स्केल. ठीक है, स्केल यूज करके मेक स्ट्रेट लाइन्स एंड मेक द लाइन्स वेरी नीटली. ओके, फाइन. So let me first, I will draw the objects and then we will do the matching. Now first is, first object then this is the next one. आइसक्रीम कोन बनाते टाइम तो मेरा आइसक्रीम खाने का मन करने लग जाता है. When I make ice cream cone, I feel like eating ice cream. आपका मन करता होगा I'm sure, but right now नहीं खा रही हूँ ice cream. कहीं सर्दी खांसी ना हो जाए ना. We have to avoid cough and cold. And last object is this. I'm sure you can identify all the objects. ये आप सब पहचान रहे हो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट है ना. एंड ऑन दिस साइड वी हैव ठीक है देन जिसको मैंने अच्छे से बनाया है सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट. ओके, ये है देन ये आई होप ये आप सब पहचान गए होंगे. This is globe, okay? Globe पे पूरा, if you see a globe, मैंने आपको जो घर पे दिखाया मेरे पास जो है that is transparent and transparent white है, तो उसपे जो countries जो outlined है वो बहुत clearly आपको शायद दिखाई नहीं पड़ेंगी. But when you see a globe, इसमें आपको कहाँ पे कौन सी country है क्या सब कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा. ठीक है, जो water वाला part है that will look blue and जो कॉन्टिनेंट्स है वो ग्रीन ब्राउन अलग जैसे इस कलर से दिखेंगी. एंड जो वाटर जहां सी है जहां ओशन है दैट इज कंप्लीटली ब्लू. ठीक है, एंड देन लास्ट इज दिस आल्सो यू ऑल नो ये क्या है. ठीक है, पहचान गए आराम से इजीली. नाउ लेट अस डू द मैचिंग पार्ट. नाउ दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिस लुक्स लाइक अ सिलेंडर है ना, ये एक सिलेंडर की तरह है. इसमें एक कर्व सरफेस है
एंड ये साइड में फ्लैट सर्फेस का मतलब ये नहीं कि इट इज एब्सोल्युटली फ्लैट, बिल्कुल ऐसे सीधा फ्लैट है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, फ्लैट सर्फेस अभी जैसे ये है सिलेंडर जो होता है, जो गैस सिलेंडर होता है, तो उसमें नीचे का सर्फेस एकदम प्लेन तो नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का कर्व्ड ऐसे होता है ना, फिर उसमें नीचे जैसे स्टैंड जैसा होता है रखने के लिए, ऊपर से भी एकदम ऐसा तो नहीं होता है। तो सिलेंडर डज नॉट मीन कि हमेशा उसका, एक मिनट जस्ट मिनट बेटा, इट डज नॉट मीन कि अगर सिलेंडर है तो शेप वुड बी लाइक दिस ओनली, कि ये कर्व सर्फेस है, इधर प्लेन सर्फेस है, इधर प्लेन सर्फेस है। ओके, एनीथिंग दैट हैज अ कर्व सर्फेस एंड दो साइड में दो और सर्फेस है, दैट इज अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखो आप, ये देखो एक कर्व सर्फेस दिख रहा है, बुक में आप ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, कर्व सर्फेस है इस साइड में एंड ऑन दिस साइड विच ऑब्जेक्ट इज सिमिलर, दिस इज कैरेट, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको तो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते होगे, ये क्या है, ढोलक है जो बजाते हैं। सो दिस ऑल्सो हैज अ कर्व सर्फेस एंड इसके साइड के जो दोनों, ये वाले जो दोनों पार्ट है एकदम फ्लैट भी नहीं है और कर्व ऐसा भी नहीं है, फ्लैट से थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ होता है। ठीक है, जब इस पे ऐसे ऐसे मारते हैं तो आवाज आती है, तो वी कैन मैच दिस विथ दिस बिकॉज बोथ हैज, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर वन कर्व सर्फेस एंड टू प्लेन सर्फेस, सो वी विल मैच दिस विथ दिस। ओके, देन नेक्स्ट इज, ये एक क्यूब है, ठीक है, कैन बी अ बॉक्स, जैसे गिफ्ट बॉक्स होता है, कुछ भी हो सकता है, एंड इसकी मैचिंग की ऑब्जेक्ट इधर क्या है, दिस डाइस, लूडो का जो डाइस होता है, ठीक है, लूडो का डाइस इज ऑल्सो, इट इज क्यूब, क्यूब मतलब ऑल द सिक्स साइड्स आर स्क्वायर इन शेप। ठीक है, तो वी विल मैच दिस विथ दिस। नाउ थर्ड इज एन आइसक्रीम कोन, ठीक है, कोन में क्या होता है, एक साइड से पॉइंटेड होता है, बिकॉज कोन है तो एक साइड से पॉइंटेड है, ठीक है, ट्राइंगल की तरह इसका शेप होता है ऊपर, एंड ऊपर से फिर एक प्लेन सर्फेस है, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, वी विल मैच दिस विथ कैरेट, कैरेट का भी शेप देखा ना, ऐसा कोन होता है, नीचे से पॉइंटेड होता है, ऊपर से थोड़ा फ्लैट होता है, ऊपर ग्रीन लीव्स होती हैं, सो वी विल मैच दिस आइसक्रीम कोन विथ कैरेट। ओके, एंड लास्ट इज अ बॉल, क्या है ये, फुटबॉल, फुटबॉल, बॉल क्या है, बॉल इज एब्सोल्युटली स्फेरिकल, कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेथ नहीं, स्फीयर है, पूरा राउंड है, एंड जैसे ग्लोब मैंने आपको दिखाया, ग्लोब इज ऑल्सो स्फेरिकल, ग्लोब, बॉल को हम ऐसे पैर से, जैसे फुटबॉल है तो पैर से किक करते हैं, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक स्टैंड में होता है, सो दैट वी कैन रोटेट इट, उसको हम ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, सो वी विल मैच दिस विथ दिस। ओके, सो डू इट इन योर बुक, आप भी इसको मैचिंग करो। ठीक है, ये सबने मैचिंग कर लिया। नाउ सेकेंड इज क्रॉस एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द फॉलोइंग फिगर्स। नाउ इन दिस क्वेश्चन अ शेप इज गिवन एंड शेप के सामने नेम्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट उस शेप की सिमिलर, उस शेप से मिलती जुलती है, वी हैव टू पुट अ क्रॉस ऑन इट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस, आई होप एवरीवन हैज डन इट, ये सबने कर लिया, इसको अभी मैं रब कर रही हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज क्रॉस, सी आर ओ डबल एस, क्रॉस एंड ऑब्जेक्ट, क्रॉस एंड ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी, सिमिलर टू द फॉलोइंग फिगर्स, क्रॉस एंड ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द फॉलोइंग फिगर्स। नाउ A is a circle and the objects are B A N G L E, bangle oblique drum. C is a
triangle and the objects are sandwich, sandwich, oblique, eraser. Then B is, this is an oval, glass, glass, oblique, egg, and D is a rectangle and the objects are pen, oblique, book. Now what you have to do is cross an object similar to the following figures. मतलब जो शेप दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जिस ऑब्जेक्ट का शेप इस गिवन शेप से मिलता जुलता है उस ऑब्जेक्ट को हम क्रॉस आउट करेंगे. ओके, नाउ दिस इज अ सर्कल, ठीक है, दीज आर ऑल प्लेन शेप्स, दिस इज अ सर्कल एंड द ऑब्जेक्ट्स आर बैंगल एंड ड्रम. तो किसको आप क्रॉस आउट करोगे, इन दोनों में से किस ऑब्जेक्ट का शेप बिल्कुल सर्कल होता है. बैंगल मतलब चूड़ी, जो मम्मी चूड़ी पहनती है, बैंगल पहनती है. बैंगल का शेप कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा सर्कल होता है, है ना, बैंगल बिल्कुल ऐसी होती है. ड्रम तो सिलेंड्रिकल होता है, ड्रम में एक कर्व सरफेस होता है और दो साइड में प्लेन सरफेस होते हैं. सो अगर हम कर्व सरफेस की साइड से रोल करेंगे तो इट विल रोल, और अगर हम उसका जो प्लेन साइड है वैसे रखेंगे तो इट विल स्टैंड. ठीक है, सो वी विल पुट अ क्रॉस ऑन बैंगल बिकॉज बैंगल इज एब्सोल्युटली राउंड इन शेप. ठीक है ना, क्रॉस एन ऑब्जेक्ट. नाउ बी इज द शेप इज ओवल, इस शेप से सिमिलर कौन सी ऑब्जेक्ट होगी, ग्लास और एग. एग का शेप ओवल ही होता है, एग के शेप में तो कोई और चेंज हो नहीं सकता. सो वी विल पुट अ क्रॉस ऑन एग. ओके, देन थर्ड इज ट्राइंगल एंड द ऑब्जेक्ट्स आर सैंडविच एंड इरेजर. इरेजर मतलब जो आप पेंसिल के लिए यूज करते हो. इरेजर इज मोस्टली या तो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, और इट इज हेक्सागोन का होता है. सैंडविच इज ट्राइंगल इन शेप. सैंडविच जैसे पूरी ब्रेड की स्लाइस लेते हैं या तो हम उसको वैसे खाते हैं, और वेन वी कट इट डायगनली, ठीक है ना, ऑपोजिट कॉर्नर से जब हम काट देते हैं तो जब दो हाफ में डिवाइड हो जाती है देन ईच हाफ इज अ ट्राइंगल. सो वी विल पुट अ क्रॉस ऑन सैंडविच. फोर्थ इज अ रेक्टेंगल एंड द ऑब्जेक्ट्स आर पेन एंड बुक. सो इट्स वेरी ऑब्वियस, पेन तो रेक्टेंगल होती नहीं है, पेन इज लाइक सिलेंडर ओनली. पेन का शेप तो ऐसे ही होता है, एक राउंड सरफेस होता है. बुक इज अ सॉलिड शेप, इट इज क्यूबॉइड बट ईच साइड इज अ रेक्टेंगल. ठीक है ना, बुक का हर एक साइड जो है रेक्टेंगल है, तो बुक पे हम क्रॉस करेंगे. नाउ यू डू इट इन द बुक चिल्ड्रन, कंप्लीट दिस इन योर बुक. वी आर 3, 4, 5. अभी 3 हमें क्वेश्चंस और करने हैं. ओके, ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज डन इट. यू जस्ट हैव टू पुट अ क्रॉस हियर, और तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्रॉस लगाना है. तो आई एम श्योर एवरीवन हैज डन इट. सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस. नाउ थर्ड इज, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, इन क्वेश्चन नंबर 3, काउंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. A figure is given, question is count, count and fill fill in the blanks, blanks. Okay? Now here a shape is given, a figure drawing बनी हुई है using shapes. ठीक है, तो इस drawing में हमें counts करना है कि how many circles are there, how many triangles are there, how many squares are there and how many rectangles are there. तो पहले मुझे ये drawing भी बनानी होगी. First is there are dash circles. Then B is there are dash triangles. C is there are dash rectangles.
and D is there are dash squares. Okay, now let me make ये क्या है, दिस इज अ देखो एक जोकर बनाया है. सबसे पहले सर्कल से उसका फेस बनाया, देन टू आईज यूजिंग सर्कल, माउथ यूजिंग अ ट्राइंगल, देन ईयर्स यूजिंग टू सर्कल्स, फिर नेक बनाया, नेक के नीचे ये उसकी बॉडी, ठीक है, देन हैंड, साइड भी ऐसे ही है, देन वन सर्कल हैंड, देन इट्स फीट. ओके, नाउ लेट अस काउंट हाउ मेनी, फर्स्ट हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर. तो सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है, फर्स्ट, अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर दूं, ठीक है, जिससे इसका शेप बहुत ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाए कि क्या शेप है. ओके, ठीक है, नाउ फर्स्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स. सो हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन. बुक में भी काउंट करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ओके, और कई सर्कल हमें नहीं दिख रहा है, सो दैट मीन्स देर आर सेवन सर्कल्स. हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, सेवन, सो वी विल राइट हियर सेवन, देर आर सेवन सर्कल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंगल. सो नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हाउ मेनी आर देयर, वन टू थ्री एंड फोर. एनी अदर ट्राइंगल डू यू सी, वन टू थ्री फोर, नो. सर्कल समझ में आ गया ना, फर्स्ट दिस बिग सर्कल फेस, देन टू स्मॉल सर्कल फॉर आईज, टू स्मॉल सर्कल्स फॉर ईयर्स एंड टू स्मॉल सर्कल्स इन हैंड. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ओके, देन ट्राइंगल, वन ट्राइंगल फॉर इट्स माउथ, वन फॉर नेक एंड टू इन द हैंड्स, थ्री फोर. सो वन टू थ्री फोर, फोर ट्राइंगल्स आर देयर, सो देयर आर फोर ट्राइंगल्स. ओके, देन नेक्स्ट शेप इज अ रेक्टेंगल. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, सो नाउ लेट अस काउंट, वन टू देन थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. That means there are six triangles. Two in the hands and four for legs. One, two, three, four. One, two, three, four. Two rectangles in each leg. So one, two, three, four, and two rectangles for hand. So one, two, three, four, five, six. Six rectangles. There are six rectangles. And how many squares? Only one. The square which is used for its body. So only one square. ठीक है, so there are one square. यहाँ पे there is होना चाहिए, because with one we write is, but since in book it is written R, इसीलिए मैंने भी R लिखा है. Children, do you see any other square? I cannot see. I can see only one square. Okay? So now just to check कि whether you have done it correctly or not, so what can we do? We can count the number of these shapes. 7 plus 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. ठीक है? Total is 18. Now count the number of shapes here also. 1, first सबसे बड़ा circle जो face के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay? That means your answer is correct. यहाँ पे भी total में 18 shapes आ रहे हैं, and here also the number of shapes are 18. So the total number is correct. Okay? So children, 4 and 5, two more are left. Okay? Patterns. Patterns
in number and patterns in shape. But today I will not be doing them because time is over. So 4 and 5 we would be doing in the next class, and after that we would start chapter number 6. Okay children, so I will stop here only today. Thank you so much and have a good day. And children, I hope that you all are watching the videos daily. Do watch the videos daily. Okay, so thank you so much and have a good day.